एक नया आईपीओ लंबे समय बाद। दोस्तों आईपीओ जब आता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। हो सकता है कोई ऐसी कंपनी आई हो जिसका लॉन्ग टर्म भविष्य उज्जवल हो, वो अपनी दूसरी जो उनकी इंडस्ट्री में कंपनी आए उससे अच्छी हो, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा आज इस कंपनी को डिस्कस करने का पर्पस ये नहीं है कि ये आईपीओ किधर खुलेगा या किधर रहेगा, मैं क्या करूं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा पर्पस ये जानने का है कि ये कंपनी क्या बेहतर है, क्या ये हमें कंसिस्टेंट इनकम लाइफ लॉन्ग दे सकती है। अगर यस, तो इसे हमें आईपीओ के बाद भी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आईपीओ लगे नहीं लगे क्या टेंशन लेने का। इफ योर कंपनी इज गुड, इफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज गुड, इफ यू कैन इवन बाय पोस्ट आईपीओ, राइट? तो चलो दोस्तों हम थोड़ा एनालिसिस करें इस कंपनी का। क्या नाम है इसका बताओ? चलो, यस, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एक नया आईपीओ। हम इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि ये कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, इस इंडस्ट्री में दूसरी कौन सी कंपनियां हैं, क्या ये इंडस्ट्री पोटेंशियल है, अगर हाँ तो दूसरी कंपनी और ये कंपनी में फर्क क्या है। दोस्तों हम अलग अलग इंडिकेटर जानने का प्रयास करेंगे जो आपको दूसरे कंपनियों के भी क्वालिटी जानने में काम लगेगा। तो ये इंडिकेटर जो हम डिस्कस करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि सिरमा अच्छी है कि नहीं, ये इंडिकेटर के बेस पे दूसरी कंपनियों को आप अपने आप भी रिसर्च कर सकते हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं आईपीओ क्या लेके आया है। दोस्तों ये आईपीओ में कंपनी फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों प्रकार से फंड रेज करने वाली है। तो फ्रेश इशू 766 करोड़ का है, यानी कंपनी अपने नए शेयर देगी जिसके बेस पे 766 करोड़ कंपनी के पास आएंगे। साथ ही में ऑफर फॉर सेल भी है, यानी कंपनी के जो स्टेक होल्डर है वो भी अपना स्टेक आप लोगों को देंगे। करीबन 34 लाख शेयर्स वो बेचेंगे और 74 करोड़ का फंड रेज करेंगे। तो फ्रेश इशू का पैसा कंपनी के पास आता है, ओएफएस का पैसा जो प्रमोटर बेच रहा है उनके पास जाता है, राइट? दोस्तों आईपीओ की टाइमलाइन है 12 अगस्त को ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 18 अगस्त को क्लोज भी हो चुका है। हम रिकॉर्डिंग लेट बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमको ओपन लोड खुद लेना देना नहीं है, राइट? क्योंकि मेरे को भी आज तक कोई आईपीओ लगा नहीं है। जितने भी हमने डीमार्ट हो, जुबिलेंट हो, लालपत हो, एलटीटीएस हो, एलटीआई हो, ये सारी कंपनी हमने आईपीओ के बाद ही ली है। कंपनी अच्छी है पता चले तो बाद में लेने में क्या फर्क पड़ता है यार, 10-20 साल अपने को कमा के देगी, राइट? सो 23 अगस्त को आपको अलॉटमेंट पता चलेगा, 23 तारीख है, तो आज आपको पता चलेगा आपको लगे कि नहीं लगे। 24 तारीख को नहीं लगे तो रिफंड आ जाएंगे पैसे, 25 तारीख को आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर, और 26 को ओपनिंग। सो दिस इज योर होल टाइमलाइन। चलो अभी कंपनी की डिटेल कुछ हम ले। दोस्तों कुछ समरी दी हुई है यहाँ पे, जो रिस्टेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से हमने डिराइव की हुई है, राइट? इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कंपनी का इक्विटी, पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल, आप जो बोलो वो, इक्विटी या शेयर कैपिटल कंपनी का 138 करोड़ का है, जो पिछले साल खाली 75 लाख का था। तो ये इक्विटी कैसे बढ़ा है? क्योंकि आईपीओ भी आया है, प्री आईपीओ भी अलॉटमेंट हुए है, राइट? तो 138 करोड़ का पेड अप इक्विटी है, टोटल इक्विटी 583 करोड़ का है। तो ये रिटेंड अर्निंग से नहीं बना है, रिटेंड अर्निंग से भी बना होगा, पर इसके साथ जो इन्होंने आईपीओ से पहले जो शेयर दिए हुए उससे भी तो इनका फंडिंग आया हुआ है। तो ये कंपनी ने फंडिंग तो पहले से की हुई है, राइट? 583 करोड़ का इक्विटी, ध्यान रखिएगा, पूरे पूरा अर्निंग से नहीं, टोटल इनकम, यानी कंपनी धंधा कितना करती है। दोस्तों पिछले साल का धंधा करीबन 450 करोड़ का था, ये साल कंपनी ने 1000 करोड़ का टर्नओवर किया है, 2022 जो क्लोजिंग हुआ। कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग, अब कंसिस्टेंट कह सकते हैं, मेरे 3 साल के डेटा तो देखे, आपके सामने 2 साल के है, तो तीनों साल कंपनी ने प्रॉफिट किए, पिछले साल 32 करोड़, ये साल करीबन 60 करोड़। अर्निंग पर शेयर इस साल 4.97 रुपीज का है, राइट? तो हम देख सकते ग्रोथ बढ़िया है, डबकना डबल टर्नओवर हुआ है और इसीलिए प्रॉफिट भी बढ़े है। ईपीएस 5 रुपीज का, ईपीएस डबल नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया प्री आईपीओ, आईपीओ से पहले भी कंपनी ने शेयर दिए हुए, बुक वैल्यू बोलो या एनएवी,
एनर्जी कंपनी का 42 रुपीस का है, तो 42 रुपीस आज आपको मिल रहे हैं और 5 रुपए हर साल मिलेंगे ये एश्योरिटी से ये आईपीओ आया है। तो अब आपको सोचना है कितना पैसा लगाया जाए। अब 200 रुपया दे रहे हो सालाना 5 रुपए की इनकम के लिए, तो करीबन 2.5% का आपका अप्रोक्सीमेटली यील्ड हुआ। ध्यान रखे कि धंधा बढ़ रहा है तो यील्ड बढ़ने की पूरी संभावना है। आज आपको 42 रुपीस तो वैसे भी वैल्यू है इसका, राइट? तो आप 5 गुना वैल्यू का पैसा दे रहे हो। तो यहां मैंने कुछ और डिटेल भी लिखी हुई है। बोरोइंग के हिसाब से कंपनी के सर पे बोरोइंग करीबन 200 करोड़ का है। तो इन चीजों के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 6% का है, पुरानी है, अच्छा मार्जिन है। डेप टू इक्विटी 33% है, कंफर्टेबल है पर बहुत बढ़िया है ये हम नहीं कह सकते। कंपनी आपको 44 के पीई पे ऑफर कर रही है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5 की है। सस्ता नहीं है, महंगा भी नहीं है, यू कैन से इट्स एवरेज, बट कंपनी इज ग्रोइंग, तो यील्ड बढ़ने की पूरी उम्मीद है, उसमें कोई चिंता नहीं है, राइट फ्रेंड्स? दोस्तों हम इनके चारों पैरामीटर देखते हैं जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में निवेश कर सकते कि नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहला पैरामीटर है ग्रोथ, क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है? जी हाँ बिल्कुल, 21% का पिछले 2 साल का ग्रोथ, राइट? 2 साल यानी 1 साल का ग्रोथ नहीं है, 2 साल अगर हम देखें तो 21% का है। 2 साल का प्रॉफिट देखे तो 9% से घटा है, बट इट्स ऑल राइट, इन्फ्लेशन हाई है, हो सकता है 2020 में जो प्रॉफिट था उससे प्रॉफिट कम हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेल्स इनके अच्छे बढ़ रहे हैं। दूसरा जो हमें देखना चाहिए कोई भी कंपनी में वो है लिक्विडिटी मेंटेन है कि नहीं। लिक्विडिटी देखने में प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है, मार्जिन कंपनी के पास है 6% का और 3 साल कंपनी का मार्जिन था। करंट रेशियो 134% है, करंट लायबिलिटी के मुकाबले करंट एसेट हम कह सकते हैं 34% ज्यादा है। ट्रेड साइकिल कंपनी की जो उधारी है बाजार में वो 20% है जितना वो टर्नओवर करती है उसके मुकाबले, तो 20% मतलब ये ऐसा नहीं है कम है ज्यादा है, राइट? इससे हम ये नहीं कह सकते कंपनी बुरी है या अच्छी है, यस ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये बुरी नहीं है, इट्स एन एवरेज कंपनी। सॉल्वेंसी रेशियो देखे तो डेप टू इक्विटी खाली 33% है, मतलब 60 से कम इट्स कंफर्टेबल, बट इफ इट इज 0, 5, 10 दैट्स बेस्ट, तो अगेन डेप टू इक्विटी रेशियो पूरा नहीं है, इट्स एवरेज। डेप रेशियो टोटल एसेट के मुकाबले टोटल लायबिलिटी 50% है, नॉट बैड। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी 12 की है, 20 होनी चाहिए दोस्तों, तो यहां पे भी हम कहेंगे सोल्वेंसी नॉट गुड नॉट बैड, इट्स एवरेज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी इट्स 10%, रिटर्न ऑन एसेट इट्स 5%, ये भी बहुत अच्छा नहीं बुरा नहीं एवरेज, राइट? तो ये था कुछ कंपनी के बारे में दोस्तों। तो साथ ही में लगे हाथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग देख लेते हैं कि किस किस के पास शेयर है। जैसे यहां पे हमने लिस्ट दिया हुआ है 1% से ज्यादा शेयर होल्डरों का, राइट? ओवरऑल आप देखो तो 62% प्रमोटर ग्रुप के पास शेयर है। अब ऐसा हाल होता है आईपीओ के बाद, पर आईपीओ से पहले ही हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 39% शेयर तो पब्लिक के पास, राइट? तो ये ऑलरेडी मैंने पहले बताया फंड रेज पहले से कर चुके हैं, राइट? ये इनका पहली बार नहीं, ये खाली आईपीओ पहली बार आ रहा है, राइट? ये प्रमोटर ग्रुप दिया हुआ है, इसमें आप एक देख सकते हो साउथ एशिया ग्रोथ फंड, ये वेंचर कैपिटल कंपनी है जो बहुत सी जो ऐसी छोटी छोटी इमर्जिंग कंपनियां होती है वहां पे निवेश करती है, तो उनका भी 8% होल्डिंग ऑलरेडी है। साथ ही में IIFL स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड 9 और 10, ये दोनों फंड ने भी थोड़ा थोड़ा करीबन 1% और 0.30% इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट? तो जैसा मैंने बताया 39% ऑलरेडी पब्लिक है, तो आईपीओ के बाद ज्यादा ये रेशियो और हो जाएगा पब्लिक का यहां पे। अब जान लेते हैं दोस्तों कि कंपनी का पर्पस क्या है आईपीओ लाने का। देखो ऑलरेडी फंड तो रेस्ट में किया हुआ है 40%, तुम्हारे पास माल तो खाली 62% है, पर ये फंड क्यों ला रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर पहला है OFS, जो मैंने पहले बताया दोस्तों आपको कि कंपनी का जो प्रमोटर है वो अपने शेयर देंगे,
तो 74 करोड़ जो फंड रेज होगा वो मालिक के पास जाएगा, वो कंपनी के पास नहीं आएगा। फ्रेश इश्यू 766 करोड़ का है, तो हम ये दोनों डेटा के आधार पे कह सकते हैं ये करीबन 800 करोड़ प्लस का आईपीओ है। इतने का फंड रेज हो रहा है तो बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, छोटा आईपीओ है। तो जनरली छोटे आईपीओ में बहुत लोग भरते हैं, और वो भी जब ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री हो तो काफी लोग भरेंगे, तो हो सकता है बहुत से लोगों को ना लगे। अच्छा हो तो ना लगे तो भी कोई दिक्कत की नहीं, बाद में आप ले सकते, राइट। अब ये जो 766 करोड़ का जो फंड रेज हो रहा है, इसका पर्पस क्या है? कैपेक्स के लिए। दोस्तों इतना जबरदस्त ग्रोथ इस इंडस्ट्री में होने वाला है कि कैपेसिटी एक्सपांशन की जरूरत पड़ेगी, तो अभी से ये लोग फंड रेज कर रहे हैं। और दूसरा, वर्किंग कैपिटल के लिए इनको फंड चाहिए। ऑलराइट, इसके साथ दोस्तों देखना चाहिए कि किस बेसिस पे इन्होंने 220 का प्राइस रखा हुआ है, राइट। तो इनके बेसिस दो प्रकार के होते हैं, कोई भी कंपनी के दोनों प्रकार से देखने चाहिए, क्वालिटेटिव बेसिस, और ये क्वालिटी के आधार पे कुछ क्वांटिटी कर रहे कि नहीं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस। नंबर वन, वन ऑफ द लीडिंग डिजाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, they have consistent track record of financial performance. अब consistent कितना है हम 100% surety से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 3 साल का data हमने देखा है, 3 साल के हिसाब से ये लोग सही कह रहे हैं। Third, diversified and continuously evolving and expanding product portfolio and service offerings catering to customers across various industries backed by strong R&D capabilities. Yes, इसीलिए तो ये लोग इतना अच्छा एक्सपांड कर पा रहे। एंड फोर्थ, एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप विद मार्क कस्टमर्स अक्रॉस कंट्रीज। इनका दोस्तों करीबन 35 तक का धंधा इंटरनेशनल से भी आता है, तो नो डाउट अबाउट इट, ये चीज भी इनकी पॉजिटिव है। रिस्क क्या है वो भी देखना चाहिए दोस्तों। द लॉस ऑफ की कस्टमर बेस एक रिस्क हो सकता है, क्योंकि इनकी जो टॉप 5 कस्टमर है वो 30% टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों बिजनेस जो आए वो डाइवर्सिफाइड आना चाहिए, ताकि कोई 1, 2, 3, 4 ग्राहक पे आपका टर्नओवर डिपेंड ना रहे। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉप 5 ग्राहक 30% धंधा दे रहे, कोई 1-2 ग्राहक निकलने से बड़ा झटका लग सकता है। डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टीज फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट मेजोरिटी ऑफ देयर रॉ मटेरियल। दोस्तों इनका ज्यादातर रॉ मटेरियल ये लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो ऐसे केस में जब भी कभी रुपया डिवैल्यू होता है वो भी इनको नुकसान कराता है, राइट। तो दिस वर सम ऑफ द बेसिस ऑफ द ऑफर पर क्वालिटेटिव, हम अभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। दोस्तों जब भी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दोस्तों पहले पीपीएस देखा जाता है कि मेरे को मिल कितना रहा है। तो मुझे 5 रुपया मिल रहा है, 220 दे रहा हूं, करीबन 44 के पी पे हम लोग ले रहे हैं। अब बाजार खुद अभी 20 के पी पे है, पर ये बाजार से तो महंगा ही होगा ना, क्योंकि बाजार का ग्रोथ होता है 15% का सेल्स ग्रोथ। ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इसलिए ये महंगा पी ले रहे। तो अभी हम कुछ खास नहीं कह सकते कि महंगा है सस्ता है, सस्ता नहीं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.75 ऑन द बेसिस ऑफ कंडेंस्ड कंसोलिडेटेड टर्नओवर। एनएवी 42.4, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 गुना है, लॉस नहीं कर रही है, कंसिस्टेंट कमा रही है, इनकी वैल्यू भी है। पीयर ग्रुप कंपैरिजन, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होता है कि भी तुम अच्छे हो उससे लेना देना नहीं, तुम अच्छे इसलिए भी हो सकते हो क्योंकि तुम्हारी इंडस्ट्री अच्छी हो। हमें इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी से दोस्तों कंपेयर करके एश्योर करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए अच्छे हो क्योंकि इंडस्ट्री अच्छी है, हमें इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी में डालना है। तो दोस्तों पीयर ग्रुप कंपैरिजन इज द मेजर पॉइंट विच वी आर सपोज टू सी। चलो देखते हैं दोस्तों, जब आप इस सेक्टर की मेजर 3 कंपनियों से कंपेयर करते हो, तो यहां पे जैसा आप लोग देख सकते हो, सिर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, डिक्सन, एम्बर, दोस्तों इनके डायरेक्ट पीयर ग्रुप की कंपनी डिक्सन और एम्बर टेक्नोलॉजी हुई, और ये दो कंपनियां अभी कुछ 4-5 साल पहले इनके आईपीओ आए थे। दोस्तों डिक्सन का 22,000 करोड़ का मार्केट कैप, एम्बर का 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसलिए क्योंकि डिक्सन धंधा करती है करीबन 11,000 करोड़ का, अपने धंधे से करीबन दुगना मार्केट कैप मिल रहा है।
एम्बर का धंधा 4,000 करोड़ है तो उसको मार्केट कैप 8,000 करोड़ का मिल रहा है। अब सिर्मा एसजीएस का मार्केट कैप तो लिस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, पर अंदाज ऐसी इसका मार्केट कैप डिस्टन और एम्बर के आसपास रहेगा। धंधा ये कितना करते हैं, 1284 करोड़। तो इफ यू लुक ऑन दिस देयर सेल, हम इसे लीडर नहीं कह सकते, हो सकता है ये कुछ चीजों में लीडर हो, पर मेन लीडर कौन है दोस्तों, सबसे तगड़ा धंधा सब तीनों कंपनी में कौन करता है, डिक्सन। दोस्तों डिक्सन यहाँ पे सबसे लीडिंग कंपनी हुई, इसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, राइट। सो डिक्सन इज लीडर, सिर्मा इन दिस केस इज नंबर 3। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आप देखो वो भी डिक्सन का 22% है, तो ऑब्वियसली डिक्सन एक बढ़िया कंपनी हुई सिर्मा एसजीएस लिमिटेड के कंपैरिजन में। एम्बर से जब कंपेयर करो तो धंधा एम्बर का ज्यादा अच्छा है, पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ सिर्मा का अच्छा है। ओवरऑल ये स्लाइड से हमें ये पता चला कि इफ आई एम गोइंग टू बाय सिर्मा एसजीएस फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, इट्स बेटर टू बाय डिक्सन टेक्नोलॉजी, वो इससे ज्यादा बड़ी है, हो सकता है उनका मार्केट शेयर इनसे बड़ा है तो उनका डाइवर्सिफिकेशन भी इनसे अच्छा होगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी कुछ ही क्लाइंट्स के ऊपर, ये हमें रिस्क से बचाती है। तो तीन में बढ़िया कौन दोस्तों, डिक्सन बढ़िया हुई, पर ये इतनी चीजों से हम नहीं कह सकते, हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि अलग अलग इंडिकेटर। देखो दोस्तों मैं ऐसा नहीं हूं कि बहुत ज्यादा इंडिकेटर देखता हूं, क्योंकि जनरली 2-3 इंडिकेटर से पता चल जाता है इस बेस्ट, पर बहुत लोग जो सीख रहे होते हैं उनको लगता है ये इंडिकेटर से देखो, वो इंडिकेटर से देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो, जैसे देखो, अब कहीं से भी देखो, अच्छी कंपनी अच्छी होगी, बुरी कंपनी बुरी होगी, बट स्टिल फॉर योर कॉन्फिडेंस मैं आपको अलग अलग इंडिकेटर बताता हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कौन से इंडिकेटर आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो चलो अलग अलग चीजें देखते हैं। पहले तो हम सेगमेंटल रेवेन्यू देख लेते हैं दोस्तों, कि कौन सी कंपनी कौन से सेगमेंट में टर्नओवर कर रही है, राइट। तो यहाँ पे हमने ईएमएस कंपोनेंट की अलग अलग कंपनियों का डेटा दिया है, जैसे सिर्मा एसजीएस, होम एम्प्लायंस, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, मेडिकल और कुछ और सेगमेंट में काम करती है, जबकि डिक्सन जो हमने पहले बात की जो तगड़ा टर्नओवर करती है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जहां पे सिर्मा नहीं है। होम एप्लायंस, मोबाइल फोन्स में भी है, मोबाइल फोन इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे बड़ा सेगमेंट है, वहां पे सिर्मा नहीं है, डिक्सन है। लाइटिंग में भी ये लोग है, मेडिकल में है, राइट। अब ये सब छोटे छोटे सेगमेंट है, टेलीकॉम भी एक बड़ा सेगमेंट हो सकता है, जबकि आप एम्बर देखो तो एम्बर खाली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, उसका डिक्सन का ग्रोथ एम्बर से ज्यादा है, इनफेक्ट इसलिए क्योंकि ये लोग मोबाइल फोन में भी है, स्मार्टफोन इंडिया का ग्रोइंग सेक्टर है, राइट। बाकी बहुत सी कंपनियां इनके पीयर ग्रुप में आएगी, और वो क्या क्या धंधा करती है वो यहाँ पे हमने बताया हुआ है, राइट। सबसे फास्ट कौन है ग्रोइंग, मोबाइल फोन, अब उसमें तो डिक्सन और भारत FIH ये दोनों ही है। अब दोस्तों हम लोग आपकी जो कंपनी है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं आईपीओ वाली, उसका अगर डेटा देखे कि भी पिछले सालों में कौन सा सेगमेंट उनको ज्यादा टर्नओवर दे रहा है, तो उनको सबसे बड़ा टर्नओवर 2022 में कौन दे रहा है, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल सेगमेंट उनको करीबन 35% का टर्नओवर देता है, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल, फिर आता है कंज्यूमर और फिर आएगा ऑटो। तो ये कुछ 2-3 सेक्टर है जो उनको बड़ा टर्नओवर देते हैं, राइट। इसके अलावा अब डायरेक्ट अगर आप रेवेन्यू से कंपेयर करो तो सारी कंपनियों के 2021 के डेटा दिए हुए, देखो लिस्टेड कंपनियों के 2022 के आ गए, जो लिस्ट नहीं है उनके डेटा नहीं थे तो यहाँ पे नहीं दिए हुए। लिस्टेड कंपनियों को तो कंपल्सन होता है रिजल्ट डिक्लेयर करने का, तो उनके जल्दी अपने को मिल जाते हैं, राइट। तो मैं 2022 में ले रहा हूं, अगर 2021 भी हम देखें, 2021, तो 2021 के डेटा के हिसाब से देखो किसका कितना टर्नओवर है, या सो एज यू कैन सी भारत FIH लिमिटेड जो कि लिस्टेड नहीं है वो सबसे बड़ी कंपनी है, पिछले साल करीबन 16,000 करोड़ का टर्नओवर था और 11,000 करोड़ से 16,000 करोड़ पहुंचे, तो ग्रोथ जबरदस्त। अब ये ग्रोथ खाली भारत FIH में नहीं है, ये ज्यादातर कंपनियों में है, आपकी सिर्मा SGS 150 करोड़ से देखो 1200 करोड़ पे पहुंच गए, पिछले साल ये 900 करोड़ थे। डिक्सन 2500 करोड़, देखो जब आईपीओ आया तब तो इतने टर्नओवर था, ये 2500 से अभी करीबन 11,000 करोड़ पहुंच गए, तो ज्यादातर कंपनी में आप ग्रोथ देख रहे हो। बट विच इज द लार्जेस्ट कंपनी,
भारत FIH इज नंबर वन, लिस्टेड कंपनी में डिक्सन एम्बर है, तो यहाँ पे डिक्सन सबसे बड़ी कंपनी हुई इन द लिस्टेड स्पेस। तो हमारा ध्यान उस पर रहना चाहिए जो टर्नओवर बड़ा कर पा रहा है, राइट। यहाँ पे सिर्मा के मुकाबले डिक्सन का टर्नओवर दोस्तों काफी ज्यादा है। दोस्तों बिजनेस किसका थी, प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लेनी चाहिए। तो 2017 से 2022 तक के हर साल के सारी कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन दिए हुए हैं। हम देख सकते हैं सिर्मा का भी मार्जिन 1.7% था 2017 में, और मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज के मार्जिन यही है 2% के आसपास के। आपके डिक्सन 1.9% और एम्बर, ये दो लिस्टेड कंपनी हुई 1.9 और 1.3। तो अभी इतने साल हो गए आईपीओ के, इनके मार्जिन अभी भी वैसे ही है। सिर्मा के मार्जिन अभी हम देख सकते हैं अच्छे हैं, इन दोनों से ज्यादा 6%। तो दैट इज गुड, प्रॉफिटेबिलिटी सिर्मा की ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे हमने CAGR ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दिए हुए है 19 से 21 तक, अगर देखे 19-20-21 तीन साल तो इनका कगार। दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सिर्मा का 6% की ग्रोथ से बड़ा है ड्यूरिंग 19 to 21। इसी साल के दौरान भारत FIH डिक्रीज हो गया था, ये भूलिएगा नहीं कि 21 यानी कोविड अफेक्टेड ईयर, तो यहाँ पे कोविड अफेक्टेड था, इनके धंधे डाउन थे, पर डिक्सन में बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं, आपको याद होगा। तो PLI स्कीम इसी समय लॉन्च की गई थी और इनको उनका जबरदस्त लाभ हुआ था। स्मार्टफोन दोस्तों चाइना से हमारा झगड़ा चल रहा था और हमने प्रयास किया कि जहां चाइना से जो इंपोर्ट होता है उसे बंद किया जाए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया जाए, उसका पूरा लाभ आप देख सकते हो डिक्सन ने लिया है। बाकी कंपनियों में इतना ग्रोथ नहीं है जितना डिक्सन में है। तो धंधा किसका बड़ा दो सालों में, डिक्सन का, वेरी वेरी फार बेटर देन सिर्मा। ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्मा 5%, यहाँ पे भी डिक्सन के मार्जिन अच्छे है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है 2019 to 21 के दरमियान, कैसी बड़ी, बड़ी नहीं है, राइट। अब ये बहुत ज्यादा देख के फायदा नहीं है क्योंकि ये कंपनी ने फंड रेज किया होगा, इक्विटी भी इनकी बढ़ी होगी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो सकता है घटी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। डिक्सन की रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ती जा रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका बढ़ता जा रहा है, रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ती जा रही है, सारी चीजों में डिक्सन इज इंप्रूविंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी धंधे के साथ बढ़ रहे हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए, पर ये ज्यादातर कंपनियों में यही होगा दोस्तों। सिर्मा में भी देखो जितना धंधा बढ़ा उतने ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बढ़े हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डिक्सन का बढ़िया बढ़ा है, जबकि सिर्मा का 11.4% बढ़ा 19-20-21 के केस पे, राइट। तो इन डेटा के आधार पे भी हमें लगता है कि डिक्सन इज अ बेटर चॉइस देन सिर्मा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अगर देखे जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट 19 से 22 तक के पूरे तीन साल के, तो ये भी आप देखो सिर्मा SGS हर साल का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है। देखो पांच स्लाइड में था ना कि डिक्रीज हुआ है, तो आपके सामने ही डिक्रीज हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। पर अगेन फंड रेज हुआ था, राइट। भारत FIH लॉस किया था 2019 में, अभी प्रॉफिट में है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी भी कुछ है। डिक्सन कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, पहले से इंप्रूव हुई है। एम्बर पहले से कम हुई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम तीनों कंपनी के 22 के देखें, देखो ये 22 के देखने चाहिए, डिक्सन के सबसे बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन एसेट्स सिर्मा की ज्यादा है, राइट, पर थोड़ा फर्क है, यहां पे भी थोड़ा ज्यादा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ज्यादातर पैरामीटर में डिक्सन सिर्मा के काफी आगे है, पर सिर्मा बुरी भी नहीं, हम उसे नंबर 2 नंबर 3 जरूर कह सकते हैं, बट विच इज बेस्ट, डेफिनेटली डिक्सन इज बेस्ट। उतने से नहीं, खाली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से नहीं, हम लिक्विडिटी रेशियो भी देख लेते। अब यहाँ पे करंट रेशियो देखो ना, क्विक रेशियो देखो ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड देखो, इससे भी पता चल सकता है। हमने 19-20-21-22 चार साल के लिए, तो सिर्मा के करंट रेशियो, राइट, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट को जब हम कंपेयर करते हैं तो मेजोरिटी जनरली ज्यादातर समय आपकी करंट एसेट लायबिलिटी से ज्यादा अच्छी, ये हमें यहाँ डेटा से ही पता चल रहा है, कोई भी साल ऐसी कुछ गड़बड़ बड़बड़ नहीं। डिक्सन एम्बर, राइट, एम्बर की इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी डिक्सन और सिर्मा की है। क्विक रेशियो, अब क्विक रेशियो थोड़ा ज्यादा प्रॉपर बताता है,
देखो क्विक रेशियो और करंट रेशियो में फर्क क्या है। करंट रेशियो में आप करंट लायबिलिटी को करंट एसेट से कंपेयर करते हो, तो आपने कहा कि भाई 30% करंट एसेट ज्यादा है, पर क्विक रेशियो में आप सिर्फ अवेलेबल कैश देखते हो या जो तुरंत कैश हो सकती है ऐसी चीजें देखते हो, राइट, कैश और कैश बैलेंस। तो ये अगर देखो तो यहाँ पे भी डिक्सन 0.7, सिर्मा 0.8, ओवरऑल कोई जगह पे नेगेटिव तो एस्पेक्ट है ही नहीं, राइट, तो कोई ऐसी बहुत चिंता की बात नहीं। ये एवरेज कलेक्शन पीरियड दोस्तों ये कैसे होता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है कि भाई अभी हमने बोला कि 20% सिर्मा का ट्रेड रिसीवेबल है, तो ट्रेड रिसीवेबल को हम पूरे साल से जब कंपेयर करते हैं हमें पता चलता है कि 70 डेज करीबन उघरानी आने में लग, राइट, सो एवरेज कलेक्शन पीरियड सिर्मा का कितना हुआ 70 डेज, डिक्सन का कितना है 42, एम्बर का बहुत ज्यादा। देखो जितनी ब्रांडेड और जितनी अच्छी कंपनी होगी उतना उनका एवरेज कलेक्शन पीरियड हमेशा कम होगा। अगर आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड ज्यादा है तो एवरेज पेएबल टाइम ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है, फिर क्या बैलेंस नहीं रहता है, उघराणी आती नहीं, आपको पैसा देना पड़ता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम रहते, तो जितना हो सके उतना जल्दी अगर पेमेंट आपके पास आते हो डेट्स ग्रेट। इन डेटा के आधार पे यस अगेन डिक्सन थोड़ा ऊपर उठ के होती है सिर्मा से भी, एम्बर एवरेज, अगर एम्बर है उससे तो अच्छा हम डिक्सन ही हमारे पास रखे। अगर वर्किंग कैपिटल और डेप्ट टू इक्विटी देखे तो वो किसके पास कितनी है, आप देख सकते हो डिक्सन के पास करीबन 400 करोड़ वर्किंग कैपिटल है जबकि सिर्मा के पास करीबन 180 करोड़ वर्किंग कैपिटल है। अब ये वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, बोलो क्यों, अभी आप भर भर के आईपीओ भरोगे तो पैसा दोगे तो वर्किंग कैपिटल तो बढ़ने ही वाली है, तो भी बढ़ जाएगी इनकी। ये दोनों को तो मिल गई डिक्सन और एम्बर को, उसको नहीं मिला है पैसा, वो भी पैसा लेके उसके पास भी कैपिटल आ जाएगी, राइट। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आपका सिर्मा डिक्सन एम्बर सबका कंफर्टेबल है और सबका ऑलमोस्ट एक जितना है, कोई यहाँ पे हाई रिस्क में नहीं है, राइट। गेयरिंग रेशियो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, गेयरिंग रेशियो में कैपिटल गेयरिंग रेशियो, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये तीनों देखे जाते हैं, राइट। अब यहां पे भी आप सारी कंपनियां देखो, यहां पे आपके भारत FIH का तो कैपिटल गेयरिंग रेशियो नेगेटिव है, डिक्सन इज बेस्ट अमंग ऑल, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो अगेन डिक्सन 6.67, सिर्मा 1.67, एम्बर 53.02। यू कैन सी ज्यादातर कंपनियों का, देखो यहां पे और दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिर्मा 29, डिक्सन 16, एम्बर 79, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिक्सन का दोनों कंपनियों से कम है और सबसे ज्यादा एम्बर का है, राइट। तो ये जितने भी डेटा यहां पे हमने देखे ज्यादातर डेटा में डिक्सन का डेटा अच्छा रहता है, कुछ में डिक्सन कहीं पे मिस कर रहा है, एम्बर के ज्यादातर डेटा इतने अच्छे नहीं है पर कुछ एम्बर के ज्यादा अच्छे हैं, तो ज्यादातर पैरामीटर में कौन सबसे अव्वल है, डिक्सन है, एम्बर एंड सिर्मा ऑल्सो नॉट बैड, राइट। बेस्ट कौन है दोस्तों, डिक्सन, और डिक्सन से भी बेस्ट एक और है वो मैं बाद में बताऊंगा, राइट। तो ये हमने कई अलग अलग प्रकार के रेशियो देखे, देखो 1000 रेशियो देखो, जो अच्छी है वो अच्छी है। इन डेटा के आधार पर ये कह सकती है तीनों कंपनी अच्छी है पर डिक्सन दोनों से दूसरे और उभर के आती है क्योंकि धंधा ज्यादा और ज्यादातर इंडिकेटर उसके अच्छे हैं। अब दोस्तों जरा इंडस्ट्री ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसी है। दोस्तों सबसे पहले जो हमें देखना चाहिए कि ग्रोथ कैसा है वर्ल्ड का, यू कैन सी हियर पूरी दुनिया दोस्तों वर्ल्ड का जो जीडीपी है वो 100 ट्रिलियन होने को है 2025 में। दोस्तों 2020 का ये डेटा दिया हुआ है, ये रियल जीडीपी और रियल जीडीपी ग्रोथ है, इस साल का एस्टिमेट 5.6 है, हालांकि IMF ने अभी और थोड़ा कम किया है, पर अगर ये डेटा को भी ध्यान में रखें तो हम आने वाले सालों में 3-5% के बीच में ग्रोथ करेंगे ऐसी दुनिया की उम्मीद है। पर दुनिया के सामने अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया इस साल भी दुनिया से ज्यादा यानी 8% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं,
और आने वाले 4-5 सालों में भी 6-8% के बीच में इंडिया का ग्रोथ उम्मीद है, यानी दुनिया से डबल स्पीड से इंडिया का जीडीपी बढ़ने वाला है। सीधा मतलब है इंडियन कंपनीज दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से दोस्तों बढ़ने वाली है, राइट? दोस्तों ईवीएमएस इंडस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जैसे 1980 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की जैसे शुरुआत हुई थी, फर्स्ट ईएमएस कंपनी पोलाइट्रॉन जो फ्लेक्स के नाम से आप जानते हो 1977, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही उस समय जैसे प्रोडक्ट को बनाया करते थे। उसके बाद हमने करीबन 90s में देखा कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की भी धीमे धीमे प्रगति होनी शुरू हुई, और आज अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा टर्नओवर आ रहा है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के द्वारा प्रोड्यूस करा रहे हैं, राइट? तो आने वाले समय में हम ईएमएस इंडस्ट्री को बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होता हुआ दोस्तों देखेंगे। दोस्तों हम बात कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है, अगर हम उसको 2007 से 2025 तक का देखें तो दोस्तों ये 1,000 USD बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, 1,000 USD बिलियन। पिछले 2017 से 20 यानी ये पिछले 3 सालों में इंडस्ट्री 1.3% से ही खाली पड़ी है दुनिया की, और आने वाले समय में ये दुनिया की जो ग्रोथ थी उससे 3-4 गुना ज्यादा ग्रोथ से बढ़ेगी। 4.5% ग्रोथ का वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट है, 4.5% की उम्मीद हम ग्लोबल ही रख सकते हैं, लेकिन ये तो ग्लोबल आउटलुक है दोस्तों। इंडिया का क्या हाल है ये देखना भी जरूरी है। इंडिया का हाल देखिए, उससे पहले हम पूरी दुनिया का मार्केट भी देख लेते हैं कि कहां पे कितना मार्केट है। ग्लोबल ईएमएस मार्केट ब्रेकअप बाय सिलेक्टेड कंट्रीज, दोस्तों सबसे बड़ा मार्केट चाइना का, दुनिया का करीबन 50% या 45.5 यानी 46% मार्केट चाइना अकेला है। फिर नंबर आता है 15.7% यूएस, तो यूएस भी चाइना के बहुत पीछे, और इंडिया तो खाली 1.8%, टू लेस, राइट? अब आने वाले समय में दोस्तों क्या उम्मीद रखते हैं, जैसे ईएमएस मार्केट ब्रेकअप सिलेक्ट कंट्रीज ग्लोबल वैल्यू इन यूएसडी बिलियन 17-25 का एस्टिमेट दिया हुआ है। देखो दूसरे जो भी कंट्री है जैसे चाइना 336 US डॉलर बिलियन की ये फिगर है, ये होगी करीबन 450, 445, तो इतना तगड़ा ग्रोथ नहीं है। अब इंडिया देखो तो ये अभी खाली एक छोटी इंडस्ट्री है 10 USD बिलियन, दोस्तों ये 2025 तक 80 USD बिलियन की हो जाएगी, तो ये छोटा जरूर है पर यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही हाईली एस्टिमेटेड है दोस्तों। भारत में ये इंडस्ट्री जबरदस्त ग्रोथ करेगी, इसीलिए यहाँ पे टिक करना चाहिए। ऐसी इंडस्ट्री में अगर पैसा लगाते हैं दोस्तों पैसे बनने के पूरे चांसेस होते हैं। उसके साथ ये भी देख लेना चाहिए कि अब कहाँ पे पैसा लग रहा है। अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करती है, भारत में हाई पोटेंशियल है, तो हम ये भी देखें कि ग्लोबली वैसे ग्लोबल मार्केट बड़ा है तो कहां पे ईएमएस में पैसा लग रहा है, कौन ज्यादा धंधा कर रहा है सेगमेंट में। तो मोबाइल फोन 25% बिजनेस कर रहे, तो सबसे बड़ा मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स में किसका है, मोबाइल फोन्स का है। फिर आईटी का यूसेज, इससे आपको पता चलेगा जब आप कंपनी सिलेक्ट करते हो। मैंने आपको बताया डिक्सन का क्यों जबरदस्त ग्रोथ हुआ, क्योंकि उनका धंधा मोबाइल में है। ये जो कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं वो किसमें है, टेलीकॉम में, इंडस्ट्री में उनका सबसे ज्यादा है, पर इंडस्ट्री का रियल मार्केट उतना बड़ा है नहीं, इसीलिए आप ये कंपनी का टर्नओवर भी छोटा है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि कहाँ बड़ा मार्केट है और कौन सी कंपनी बड़े मार्केट को कैटर कर रही है। तो इधर कौन है, डिक्सन, जो आपके मोबाइल फोन को सर्विस दे रहे, राइट? सो यस, मोबाइल फोन एंड आईटी आर द लीडिंग सेगमेंट इन दिस सेक्टर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हिस्टोरिकल ट्रेंड हमने दिया हुआ है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दोस्तों 2018 में 5568 बिलियन रुपए, यानी ये करीबन कितना हुआ, 2 जीरो ऐड कर दो,
55,000 करोड़ की ये 2018 में इंडस्ट्री थी, 55,000 करोड़ से लेके आज ये इंडस्ट्री 80,000 करोड़ की हो गई। यानी पिछले 4 सालों में ग्रोथ तो इंडिया का अच्छा है, देखो दुनिया तो खाली 1.5% से बढ़ी थी, पर इंडिया की इंडस्ट्री का ग्रोथ 6.5% हुआ है, तो इंडिया दुनिया से 3-4 गुना ज्यादा प्रगति कर रहा है। आने वाले समय में दोस्तों ये ग्रोथ 25% की उम्मीद है, यानी ये इंडस्ट्री जो भी 80,000 करोड़ की है ये 2,00,000 करोड़ प्लस की हो जाएगी 2026 तक। तो 25% ग्रोथ माने अगर हम ये इंडस्ट्री में निवेश करते और हमारी कंपनी ये इंडस्ट्री में बड़े सेगमेंट को कैटर कर रही है, जैसे स्मार्टफोन वाला हमने सेगमेंट बताया, तो अपनी कंपनी 25% का ग्रोथ उसको मिलने वाला है, वो कौन करता है? उसका आंसर तो अभी आपके पास है, राइट? डिक्सन। यहां पे दूसरा एक इंपॉर्टेंट डेटा दिया हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स का डोमेस्टिक कंजप्शन इतना था, कितना दिख रहा है? 50,000 करोड़ का करीब डोमेस्टिक कंजप्शन। इसी में इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना करते थे? इतना। अभी अगर हम देखें अभी तो उल्टा हो गया है, 2026 का ये एस्टिमेट आपके सामने है, आने वाले 6 सालों में आपका इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक कंजप्शन दोस्तों 14,769 बिलियन, यानी करीबन 1.5 लाख करोड़ का तो डोमेस्टिक कंजप्शन होगा, और हम दोस्तों प्रोड्यूस कितना करेंगे, कितना करेंगे मतलब एक्सपोर्ट भी अपना होगा। देखो 13,769 बिलियन का कंजप्शन और प्रोडक्शन हमारा होगा 20,000 बिलियन का, मतलब करीबन 2,00,000 करोड़ का हम प्रोड्यूस करें, राइट? 18.4% से दोस्तों कंजप्शन बढ़ेगा, तो इंडिया को खाली एक्सपोर्ट करने, एक्सपोर्ट बिजनेस ऐसा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन भी एकदम तगड़ा है और वो ग्रोथ होने वाला, साथ ही में प्रोडक्शन भी अब हमारा बढ़ने वाला है, कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर ये डेटा बड़े ही पॉजिटिव है हमारे लिए। उसके साथ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का दोस्तों ये डेटा है, दोस्तों बड़ी ही सिद्धि हुई, सिद्धि हम इसको कह सकते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया में 2018 से 21 में 8.5% से बढ़ रहा है, 21 से 26 में 32% के ग्रोथ की उम्मीद है, मतलब जितने बड़े उससे 4 गुना ज्यादा तेजी से हम बढ़ने वाले हैं। क्यों? साथ में आप अगर इंपोर्ट देखें तो इंपोर्ट दोस्तों 2015 से 21 तक 9% के कगार से बढ़ता था, काफी हाई हमारे इंपोर्ट हुआ करते थे, 9% मतलब बड़ी फिगर हुई। दोस्तों 2021 के बाद क्या हुआ, कोविड के बाद, कोविड में दोस्तों हमने जो मेक इन इंडिया पे फोकस किया, पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई, और आप देखो इंपोर्ट लगातार घटता गया, बहुत ही डिक्रीज हुआ, ये एक जबरदस्त सफलता है इंडिया की दोस्तों। कहा ये 17-18% से बढ़ रहा था, कंजप्शन तो अभी भी हमारा भरपूर है, पर अभी इंपोर्ट का ग्रोथ खाली 8.5% के आसपास का है, हम उम्मीद करते 4 से 8% के बीच में ग्रोथ रहेगा, तो ये काफी कम हो गया इंपोर्ट। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक अब हम दोस्तों प्रोड्यूस करने लगे, राइट? तो ये डेटा अपने को इतना तो बताता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जबरदस्त प्रगति करेगी और अपना इंडियन कंपनियों में पैसा होना चाहिए। साथ में अगर आप ये देखना चाहते हो, इतना सारा अगर पहले इंपोर्ट होता था, अभी इंपोर्ट तो घट गया है, पर इंपोर्ट किस में होता था, तो यह है लिस्ट ऑफ टॉप 10 इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय वैल्यू 2020 का डेटा है दोस्तों। सबसे बड़ा लैपटॉप का इंपोर्ट इंडिया करता है, एफपीडी, टेलीविजन, स्टोरेज डिवाइस वगैरह वगैरह अलग अलग चीजें हैं। हम कहां से इंपोर्ट करते हैं दोस्तों? हम जितना इंपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ा इंपोर्ट 44% दुश्मन कंट्री चाइना से करते,
अब हांगकांग भी चाइना का, तो चाइना हांगकांग मिलाओ तो करीबन 60% इंपोर्ट तो खाली चाइना और हांगकांग से हुआ। तो दोस्तों 60% हम उससे माल लेते हैं जिनके साथ बार बार टकराव हो रहे, ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं। यूएस जो बार बार हमसे ट्रेड डील करने आ रहे, उनसे हम खाली 4% चीजें इंपोर्ट करते हैं। अभी ताइवान के साथ जब युद्ध होने का लग रहा था तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, पर चाइना के ताइवान के साथ अपने ट्रेड रिलेशन कैसे है? जैसे हम चाइना से 3% इंपोर्ट करते तो उससे बहुत बड़ी इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं होगा, कुछ गिनी चुनी ऑटो इंडस्ट्री जैसी कोई इफेक्ट हो सकता है, राइट? तो हमारे जो दोस्त है जापान, जर्मनी, सिंगापुर वगैरह, वहां से कम इंपोर्ट हो रहा है, जहां से नहीं करना है वहां से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था। इसीलिए मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम पे जबरदस्त धार किया। और अगर इंपोर्ट गिरा तो ये किसका गिरा दोस्तों? ये इन्हीं का गिरा है, राइट? तो ये सफलता। अब दोस्तों अगर हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, इंपोर्ट कर कम कर रहे, तो आपके दिमाग में सवाल होगा कि हमारी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। चलो दोस्तों एक्सपोर्ट का भी डेटा देख लेते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया इट्स अमेजिंग दोस्तों। 2015 से 21 में 13% का ग्रोथ था हमारा एक्सपोर्ट का, 21 से 26 का एस्टिमेट 55% का है। वी आर गोइंग टू डू ह्यूज वैल्यूएशंस इन एक्सपोर्ट। अब किसका करेंगे दोस्तों? मोबाइल फोन्स का करेंगे। अभी आपने देखा एक बड़ा झटका कुछ चाइनीज कंपनियों को दिया है, राइट? मोबाइल फोन में इंडिया बढ़िया कर रही है और करेगी दोस्तों। अब हम लेते किससे थे माल वो तो देख लिया, पर कौन हमारे दोस्त है? देखो जो माल ले वो अपने दोस्त, तो माल इंडिया का कौन लेता है? चाइना नहीं, चाइना खाली 60% लेता है। हम लेते उससे कितना है? 50%, पर वो अपने से माल खाली 60% ले रहा है। सबसे बड़ा अपना दोस्त कौन है? यूएस। 20% माल यूएस ले रहा है, राइट? यूएई 13%। तो यहां पे अपना माल दोस्तों जाने लगा है और एक्सपोर्ट में अमेजिंग ग्रोथ की उम्मीद है। तो आपकी कंपनियों को ये मैंने क्यों बताया था? आपकी जो कंपनियां है वो इंडिया में डोमेस्टिक कंजप्शन स्ट्रांग होने की वजह से ग्रोथ मिलेगा, इंपोर्ट कम होने की वजह से ग्रोथ मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से ग्रोथ मिलेगा। तो चांदी चांदी है अपनी कंपनियों को तो, राइट? तो जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद के साथ दोस्तों की ग्रोथ ड्राइवर ईएमएस इंडस्ट्री के क्या है, वैसे हमने ज्यादातर कवर कर लिए, पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अब हम इंपोर्ट करते थे, अब हमने अपना इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लिया है, ये की ग्रोथ ड्राइवर है। एनहेंसिंग लोकल वैल्यू, दिस इज सेकंड पॉइंट। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, पूरी दुनिया ढूंढ रही है अभी चाइना का एक और अल्टरनेट, और वो इंडिया के अलावा और कौन हो सकता है? दिस इज थर्ड। फोर्थ, एक्सपोर्ट फोकस ऑन $5 trillion, ये अपना गोल है दोस्तों, $5 trillion के एक्सपोर्ट को दोस्तों हासिल करना है। अब आप सोचो तो सही यार, कितना गलत बात होता था कि हम सब सोचते थे कि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन आने वाला है, पर स्मार्टफोन किसका यूज करेंगे? उनका, अपना नहीं। कितनी बुरी बात है, अभी ऐसा नहीं है। मेक इन इंडिया पे जबरदस्त फोकस हुआ है। और देखो ये क्यों भी हुआ है, पीएलआई स्कीम इन 13 की सेक्टर फॉर एनहेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एनहेंसिंग एक्सपोर्ट, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों जो अप्रूव्ड फाइनेंशियल आउटले है आने वाले 5 साल का, जैसी मोबाइल, कौन से सेक्टर को सबसे बड़ा फंडिंग मिला है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कितना अप्रूव हुआ है? 400 बिलियन रुपी का, 400 बिलियन रुपी, यानी हम ये कह सकते हैं ना करीबन 40,000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे फंडिंग होगा। इसी ने एक्सपोर्ट को बूस्ट किया है, इसी ने स्मार्टफोन के इंपोर्ट को कम किया है दोस्तों। तो नंबर वन थिंग वही सेक्टर की तो आप लोग बात कर रहे हो, तो देखो डिक्सन को तो ग्रोथ मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बाकी ये सभी कंपनियां है वहां पे भी अच्छा। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ ईएमएस मार्केट इन इंडिया दोस्तों, ग्लोबल ईएमएस कंपनीज है इंडिया में, राइट? कौन सी कंपनियां? अभी हमने लिस्ट तो देखा,
पर कुछ ग्लोबल कंपनियां हैं जैसे फ्लेक्स, टेनमिना, एससीआई टेक्नोलॉजी, जैबिल सर्किट, सायंट, डीएलएम, कुछ लार्ज इंडियन ईएमएस कंपनीज हैं, डिक्सन, एम्बर, एसएफओ, तिरमा जिसकी बात कर रहे हैं, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। मिड और स्मॉल इंडियन कंपनीज है एवलॉन टेक्नोलॉजीज, केनेस टेक्नोलॉजी, विविडियन, रैंकसन और पीजी इलेक्ट्रो प्लांट जैसी। राइट फ्रेंड्स, अब अबाउट सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, ये कंपनी क्या है? अ टेक्नोलॉजी फोकस्ड इंजीनियरिंग एंड डिजाइन कंपनी एंगेज इन टर्न की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ईएमएस, स्पेशलाइजिंग इन प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग for diverse end use industries including industrial appliances, ab वैसे including नहीं है, इनका बड़ा धंधा automotive, healthcare, consumer product and IT industries. So this is their ma 2006 and 2010 mein इन्होंने set up of their manufacturing unit in the MEPZ of Chennai और सेटअप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बारगू। 2012 एंड 16 में इन्होंने कमेंस किए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकन्स फॉर व्हीकल्स एंड दे कमेंस मैन्युफैक्चरिंग आरएफआईडी टैग्स, राइट, रेडियो फ्रीक्वेंसी। 2018 में इन्होंने सेटअप किया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बावल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चेन्नई। 2020 they commenced the manufacture of controller of the EV battery management system and investment aaya in ki company mein by South Asia Growth Fund. So, to growth to ye company ka hona hai, hum paisa bharenge, 9-10 saal mein paisa bharega, usme to dosto koi doubt hi nahi hai, kyunki ye growth sector ki company hai. Right friends? Oh sorry, wapas aa gaya yahan pe. Yeah. So, आखिर में दोस्तों, लास्ट जाते जाते, स्टार रेटिंग कितना मिलना चाहिए दोस्तों? 3.5 स्टार मिलने चाहिए अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से। ग्रोथ में इनको 1 स्टार मिलना चाहिए क्योंकि ग्रोथ तो तगड़ा करें, 15% का ग्रोथ तो होना ही है इनका। मार्केट शेयर में हम इनको 1 स्टार नहीं दे पाए क्योंकि बड़ा मार्केट शेयर, ये उनका इंडस्ट्री वो नहीं है जिसमें उनको बड़ा मार्केट शेयर मिले। बड़ा मार्केट शेयर स्मार्टफोन वालों का है, तो वहां पे डिक्सन ये स्टार ले जाती है। लिक्विडिटी में बुरा नहीं अच्छा नहीं आधा स्टार, सोलवेंसी में बुरा नहीं अच्छा नहीं आधा स्टार, प्रॉफिटेबिलिटी में आधा, तो इनको कुल मिला के 3.5 स्टार देंगे। इन्वेस्ट करोगे 9-10 साल में पैसे बनेंगे, नो डाउट अबाउट इट, पर प्रायोरिटी कौन सी रखे? डिक्सन की। अब डिक्सन भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरह ही, सबसे बढ़िया अगर कंपनी ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो हम एसी मैन्युफैक्चरर वोल्टास को गिनेंगे, बिल्कुल कोई डेप्थ नहीं। लेकिन देखो, डिक्सन और वोल्टास जब आप कोई भी कंपनी लेते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव समझो। आप वोल्टास में डिक्सन जैसा ग्रोथ की उम्मीद रखोगे? वो होगा नहीं, क्योंकि डिक्सन में को ग्रोथ मिलना है, उनका 20-25% का ग्रोथ आना है। वोल्टास में आप 12-15% ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हो, पर वोल्टास की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, वो मार्केट लीडर है। डिक्सन की क्वालिटी वोल्टास से कंपेरेबल नहीं है। तो जब गिरावट आती है, डिक्सन गिरता ज्यादा है, आप बोलोगे तो बहुत गिर रहा है, तो गिरेगा। वोल्टास वो केस में डिक्सन से ज्यादा अच्छा है। तो कोई भी कंपनी लेते हो, आपको नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पता रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि आने वाले समय में कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको वोल्टास में मिले, राइट। पर आपके पास डिक्सन है, अरे मल्टी ईयर रैली करेगा। हमारे फंड में दोस्तों डिक्सन नहीं है, हमारे फंड में बरसों वोल्टास ही हो गए। फ्यूचर एस्टिमेट देख लेते हैं दोस्तों लास्ट में, व्हाट आर फ्यूचर एस्टिमेट। दोस्तों आज ये कंपनी करीबन 2022 की हम बात कर रहे हैं, 1200 करोड़ का टर्नओवर करती है, 76 करोड़ के इनके प्रॉफिट है। मैं इनमें ग्रोथ 12-15% का उम्मीद रखूंगा, मैं आशा रखूंगा 2030 आते आते ये कंपनी करीबन 3000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचेगी, 150-200 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। तो जब सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो आपके भाव भी तो बढ़ने हैं, राइट। मैंने ये फिगर यहाँ पे बिल्कुल कंजर्वेटिव रखी, आपको इनसे अच्छे ग्रोथ मिलने की उम्मीद है मुझे, राइट। फ्यूचर एस्टिमेट्स ईपीएस के क्या रहेंगे? ईपीएस अभी आपका 5 रुपया है,
2030 तक मिनिमम 10 तो होगा ही ना यार, 10 से ज्यादा होगा कम नहीं। तो अगर 10 का ईपीएस होता है तो भी इसका भाव 400 बनता है, राइट? तो अच्छा पैसा मिलना चाहिए, कंसिस्टेंट पैसा चाहिए, तो किधर जाने का? फोल्टर शुड बी योर प्रायोरिटी। मैंने यहाँ पे आपको चार्ट भी दिए हुए, जैसे डिक्सन, देखो 5 साल में 10 गुना तो हो गया है। आपको अभी ये करेक्शन में, देखो लोग तेजी में इनके पीछे पड़ते थे तो बोलते थे पीयूष भाई लो, कि हम क्या बोलते थे भाई, करेक्शन आने दो तब लेना। परफेक्ट करेक्शन आया हुआ है, 3117 से 1927 की रेंज में लेना चाहिए, और टारगेट क्या रखे, 5677 इसी साल। मैं इसी साल 5,500 का गोल रखूंगा, तो नीचे लेते हो 5,500 में प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं भी करते हो मल्टी ईयर रैली तो होगी डिक्सन में दोस्तों, क्योंकि ग्रोथ ही ऐसा आने वाला है। सेकंड वोल्टास, दोस्तों वोल्टास इज द बेस्ट कंपनी, लाख लगाया 2.5 करोड़ रुपया आज उसकी वैल्यू होनी चाहिए 20 सालों में। अभी वोल्टास भी करेक्शन में है, डिक्सन ज्यादा करेक्ट क्यों हुआ है, लो क्वालिटी, वोल्टास टॉप क्वालिटी, बड़ा मार्केट शेयर वाली कंपनी। दोस्तों ये 1060 से 800 की रेंज में इसको डेफिनेटली लेना चाहिए। मैं अगले साल 1582 का प्राइस अंदाजा रखूंगा, हम बेचेंगे नहीं प्राइस पे, क्योंकि हम तो ये कंपनी को 10 साल के से लेके बैठे। तो वेल्थ क्रिएटर एसी बिकने वाले इंडिया में, हम उम्मीद करेंगे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी हमें दोस्तों वोल्टास में मिले। तो ये जो भी हमने यहाँ पे बताया दोस्तों, इसको टिप मत समझिएगा, हम कोई टिप प्रोवाइड करने वाली कंपनी नहीं है। बिजनेस को समझो, बिजनेस समझने के बाद निवेश करने का प्रयास करो, चाहे आप सिरमा लो, चाहे आप डिक्सन लो, चाहे वोल्टास लो, आपको पता रहना चाहिए कौन सी कंपनी में कितना रिस्क है। तो दोस्तों रिसर्च पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते जाए। और अगर आप खुद ये इसी प्रकार का रिसर्च सीखना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस टॉल फ्री नंबर, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और रेगुलर लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम अवर साइड, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों।